हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा चैनल मार्बल पॉलिश। तो दोस्तों, आज हम मोल्डिंग की पॉलिश करना आपको बताएंगे। जो टाइल्स के ऊपर मोल्डिंग लगने के बाद में पॉलिश होती है, किस तरह से होती है ग्राइंडर से, तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको एक अच्छी जानकारी मिल सके, और टाइल्स पे लगी हुई मोल्डिंग को किस तरह से पॉलिश किया जाता है उसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज हो सके। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ये पेंसिल मोल्डिंग इसको बोलते हैं। ये ग्रेनाइट से बनी हुई मोल्डिंग है, ग्रेनाइट पत्थर से हमने इसको मोल्डिंग बनाई है, और ये ग्रेनाइट राजस्थान ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर है। और ये जो मोल्डिंग है ये सबसे आसान मोल्डिंग में से आती है, पेंसिल मोल्डिंग, जो टाइल्स के ऊपर लगाते हैं हम बाथरूम में, किचन में, जहाँ चाहे हम इस पेंसिल मोल्डिंग को बना सकते हैं, लगा सकते हैं। और हम इस पेंसिल मोल्डिंग की कटाई हम 80 नंबर डिश से पहले इसकी कटाई करते हैं, फिर उसके बाद में इसके ऊपर हम 200 नंबर पैड, 400 नंबर पैड, 600 नंबर, 800 नंबर, सीरीज बाई सीरीज इसके ऊपर हम बटिया चलाते हैं, उससे इसके अंदर शाइनिंग आती है। ये हमने अभी इसके ऊपर 200 नंबर पैड चलाया है। ये देखिए दोस्तों, इसके जो स्क्रैच होते हैं लोहे वाले कटर के निशान जो होते हैं, उसको हम 80 नंबर डिश से दबाना पड़ता है, फिर उसके बाद में हम 200 नंबर पैड से इसकी कटाई करते हैं, उसके बाद में इसके ऊपर 400 नंबर, 800 नंबर, सीरीज बाई सीरीज इसके ऊपर बटिया चलानी पड़ती है, और ये सेम वापस वही इसके ऊपर शाइनिंग आ जाती है जैसे हम बाज़ार से पत्थर लेके आते हैं, वापस ग्रेनाइट पॉलिश इसके ऊपर हो जाता है। इसी प्रकार आप भी अगर चाहो तो ग्राइंडर के माध्यम से, ग्राइंडर से आप इसकी पॉलिश कर सकते हो। ये पॉलिश करना बहुत आसान है। और हम इस पेंसिल मोल्डिंग की जो पॉलिश की रेट है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, ये जो सिंगल पेंसिल मोल्डिंग होती है इसकी हम तकरीबन 50 से 60 रुपये रनिंग नाप हम इसकी लेते हैं दोस्तों। और ये अगर ये हाथ से पॉलिश करनी हो तो इसकी 100 रुपये रनिंग नाप होती है, और डबल मोल्डिंग होती है उसकी रेट भी अलग हो जाती है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये हमने मोल्डिंग कंप्लीट कर दी है, इसके ऊपर वापस शाइनिंग आ चुकी है। अब इसके ऊपर आप चाहो तो लिक्विड पॉलिश आती है वो आप इसके ऊपर लगा सकते हो, और भी इसके ऊपर केमिकल आते हैं वो आप चाहो तो लगा सकते हो, चाहो तो ऐसे ही आप इसको छोड़ सकते हो। तो दोस्तों, ये देखिए, वापस इसके ऊपर वही शाइनिंग आ चुकी है। और दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पर अभी तक बने हुए हो तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ में बेल आइकन घंटी वाले बटन को भी दबा लें ताकि आने वाला वीडियो आप तक सीधा पहुंच सके। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं हम और अच्छी जानकारी के साथ और अच्छे वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।